केवीजीबी प्रधान शाखा विजयपुर के आर्थिक वर्ष 2018 से 2019 में 25,000 करोड़ रुपयों का व्यवहार हुआ। विजयपुर के केवीजीबी यानी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक अपने सेवा क्षेत्र में निरंतर सुखग्रस्त एवं धीमी आर्थिक स्थिति के भीतर सिंडिकेट बैंक प्रवर्तित इस बैंक में 7.79% विकास दर में 25,257 करोड़ रुपयों के कुल व्यवहार को दाखिला कर और इसमें बैंक का कार्यनिर्वाहन लाभ 203 करोड़ 26 लाख रुपए है और इस वर्ष में बैंक का कुल संपत्ति 1743 करोड़ रुपए वृद्धि हुई है। इस बैंक की ओर से विकास पूर्वक 9 जिलों के 636 शाखाओं में 2018 से 2019 वर्ष काल में 4,258 करोड़ कर्ज वितरण किया गया। केवीजीबी ने अनुत्पादक संपत्ति पर नियंत्रण कर उन कर्ज वापसी पर बैंक अपने ओटीएस योजना प्रणाली को प्रयोग किया है और इस बैंक में प्रधानमंत्री जन धन योजना के लगभग 16,59 लाख खातों को खोला गया है और अब तक 10.08 लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, 3.75 लाख लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अब तक 53,862 लोगों को पंजीकरण किया है। बैंक के इस कार्य पर भारतीय पेंशन प्राधिकार बैंक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 पुरस्कार अर्पित किया है। बैंक ने डिजिटल सेवा को अधिक बल दिया है। नोट बदली के बाद ग्राहकों को डिजिटल सेवा ने नकद रहित लेन देन करने पर उत्तेजित किया है। इस विषय में बैंक ने ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग जैसे नए तकनीकियों को ग्राहकों के लिए व्यवस्था किया है और इसके अतिरिक्त 28,000 करोड़ से अतिरिक्त व्यवहार करने का महत्व उद्देश्य से बैंक कार्यरत है।